क्या आप माखनलाल यूनिवर्सिटी से PGDCA कोर्स कर रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं PGDCA के। जी हां, आपने जनवरी में या जुलाई में एडमिशन लिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी के किसी भी इंस्टीट्यूट में PGDCA करने के लिए। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। क्या आपको PGDCA का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है? अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। हो सकता है आप रेगुलर इंस्टीट्यूट ना गए हो या आप गए भी हो इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस जो है PGDCA का वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रैक्टिकल उसमें दिया गया है, या आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो सब्जेक्ट की थ्योरी दी गई है वो आपको समझने में दिक्कत आ रही है। आप PGDCA के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हो। जी हाँ, आपका इंटरेस्ट इस बात पर है कि जो डिप्लोमा है वो तो मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको पूरा थ्योरी का और प्रैक्टिकल का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं पर भी जब आप जॉब करने जाएंगे या आप आगे चल के इंटरव्यू देंगे, आपको वही विषय पूछा जाएगा जो आपने PGDCA में पढ़ाई की है, तो अब आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप पूरी थ्योरी को और प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, ताकि जब आप PGDCA के बाद कहीं जॉब करने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कारण से आप सारी चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हो। इसके लिए हमारे पास आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन है, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हाँ, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफलाइन माखनलाल चतुर्वेदी से PGDCA कोर्स पिछले 15 वर्षों से करा रहा है। उसके बाद अभी हम ऑनलाइन भी आ चुके हैं 2019 से। ऑनलाइन आने के बाद हमने PGDCA की जितनी क्लासेस उनको रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद सारी क्लासेस को अपने इस ऐप में, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, इस पर हमने रखा हुआ है। तो आप इस कोर्स को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप में आपको PGDCA की तैयारी का फुल कोर्स मिलेगा। इसका थंबनेल आप देख लीजिए, इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें नोट्स हैं, वीडियोज हैं, प्रैक्टिकल है और एक्सरसाइज भी है, जो भी आपको सिलेबस के अंतर्गत सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ओल्ड पेपर्स भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इस ऐप से आप ऑनलाइन PGDCA की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें आपको 961 वीडियो, 68 PDF फाइल, 17 टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस, जिसके अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाया जाएगा, MS एक्सेस सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया सब्जेक्ट है, इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, IT ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली है, मल्टीमीडिया विथ कोरल ड्रा है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरी इसकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। इसके नोट्स भी दिए जाएंगे, PDF के नोट्स भी दिए जाएंगे, जिससे आप इसकी तैयारी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर को पढ़ करके, याद करके भी कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आप नोट्स में पढ़ोगे उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, जब आप उसका प्रैक्टिकल भी लाइव अपने मोबाइल में समझ लोगे तो थ्योरी आपके लिए आसान हो जाएगी, एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा, और आगे चल के उस चीज को कहीं पर भी अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो आसानी से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप हमारे ऐप से कोर्स PGDCA का जो है माखनलाल चतुर्वेदी का ज्वाइन करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट की थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, ऐप डाउनलोड करना, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसके बाद अभी हम रेगुलर अपने यूट्यूब चैनल में ही PGDCA एग्जाम, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी अंतर्गत होने वाला है, उसकी हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि PGDCA के सिलेबस में क्या दिया गया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्राउजर हिस्ट्री को कैसे देखें और उसे किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, ब्राउजर हिस्ट्री क्या होती है इसे हम समझ लेते हैं। जब भी आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं तो आपका ब्राउजर आपके द्वारा देखे जाने वाले प्रत्येक पेज की एक कॉपी को सेव कर लेता है। चाहे आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं या फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर या कुछ और, तो आप किसी भी वेब ब्राउजर का यदि उपयोग करते हैं और आप उसके माध्यम से यदि कोई इंटरनेट पे जानकारी सर्च करते हैं तो वो जानकारी उसके हिस्ट्री ऑप्शन के अंतर्गत सेव होती जाती है। आप कह सकते हैं कि आपने किस पेज को देखा है, वो सारी जानकारी आपको ब्राउजर पर हिस्ट्री के अंतर्गत स्टोर होकर मिल जाएगी। ये फीचर यूजर की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाता है, ताकि आप जो जानकारी आपने पुरानी देखी हुई है उसे आप वापस वहां से जाकर एक्सेस कर सकें। ब्राउजर हिस्ट्री को कैसे देखना है और डिलीट करना है,
आइए वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से गूगल में उपस्थित हिस्ट्री को डिलीट किया जा सकता है और हिस्ट्री का क्या उपयोग होता है, कहाँ से आप हिस्ट्री ऑप्शन को देख सकते हैं। तो हिस्ट्री ऑप्शन, गूगल हिस्ट्री ऑप्शन को देखने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम में ब्राउज़र ओपन करना होगा। जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसे ओपन कर लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करके रखा हुआ है। इस ब्राउज़र में राइट साइड आपको तीन ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हिस्ट्री ऑप्शन आपको दिखाई देता है, जिस पर कर्सर जैसे ही आता है तो इसमें लेफ्ट साइड एक और सब मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे ऊपर दिखाई देता है आपको हिस्ट्री ऑप्शन। हिस्ट्री ऑप्शन का शॉर्टकट की भी है Ctrl+H, इस पर क्लिक करके या Ctrl+H दबाकर आप हिस्ट्री को देख सकते हैं। अब हिस्ट्री ऑप्शन का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, जैसे यदि आप कोई जानकारी गूगल पे सर्च कर रहे हैं और कुछ समय के बाद आपको दोबारा उस चीज़ को देखना है लेकिन आप उसकी वेबसाइट या उसका URL भूल चुके हैं, तो आप हिस्ट्री ऑप्शन में जाकर ये देख सकते हैं कि आपने किस समय पर कितने बजे किस दिन आपने जानकारी देखी थी और उसे वहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं। इन जानकारियों को यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप पर्टिकुलर किसी एक दो जानकारी को करना है डिलीट तो आप उसे सिलेक्ट करें और डिलीट बटन पर क्लिक कर दें, इससे भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप जाएं क्लियर ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन पर। क्लियर ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन पर जाने पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर, एक तो बेसिक एक एडवांस। बेसिक ऑप्शन में आपको टाइम रेंज दी गई है सबसे पहले कि आपको लास्ट आवर, 24 आवर, 7 डेज या 4 वीक का डेटा डिलीट करना है, या ऑल टाइम। ऑल टाइम यदि हम करते हैं तो जितना भी डेटा आपका टोटल होगा वो सारा का सारा डेटा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इसमें तीन चेकबॉक्स बने हुए हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री आपको डिलीट करना है, कुकीज़ करना है, या कैश इमेज और फाइल को डिलीट करना है। इसके अलावा एडवांस ऑप्शन में जाएंगे तो इसमें आपको पासवर्ड एंड अदर साइन इन डेटा, ऑटोफिल डेटा, साइट सेटिंग, ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ हैं जिसे आप चेक करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप कभी कभी हम क्या करते हैं, पासवर्ड को रिमेंबर कर देते हैं, तो वो अगर आप डिलीट करना चाहें। ऑटोफिल ऑप्शन आता है कि कोई टेक्स्ट बॉक्स पे आपने जैसे ही कर्सर रखा तो वो ऑटोमेटिक उसमें आपको टेक्स्ट दिखाई देने लगता है कि भाई क्या टेक्स्ट आपको भरना है, तो वो जानकारी भी आप यहाँ से चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। इन सभी चेकबॉक्स को चेक करके जो भी आप जानकारी डिलीट करना चाहते हैं, चेक करने के बाद आपको क्लियर डेटा बटन पर क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, जानकारी आपकी हिस्ट्री ऑप्शन से डिलीट हो जाएगी।